घर में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसको यूटिलाइज़ करूं, इसलिए मैं बाहर आई हूं। और मैंने ना आज अपने फ्रेंड को भी बुलाया है कि मैं ना जब से यहां पे आई हूं कनाडा में, तब से मतलब इतनी ज़्यादा जॉब हंटिंग कर ली है और अभी तक मेरी किस्मत नहीं खुली है, अभी तक जॉब नहीं मिली है। ओके ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सोच रहा होगा ब्लॉगिंग के चक्कर में कहीं पैंडेमिक ना हो जाए। खुशखबरी की बात ये है कि जॉब इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एग्जाम। कम ऑन कम ऑन, बी होनेस्ट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। बट यार ये क्या, अभी तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई। ओ नो यार, मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। आप देखो, इट्स रेनिंग आले को एकदम खड़ा से उधर नोले फिर हाथ छाड़ के घुमा रहा है, आधा खड़ा हो जाएगा अब जल्दी जल्दी खड़ा। वाओ यार, बट ना बारिश में अम्ब्रेला कैरी करना पड़ता है। आज ही मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट किया और आज ही बारिश स्टार्ट हो गई यार। ओहो, बस भी आ गई मेरी। शिट 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 शिट। बारिश में खुद को कैरी करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बैग उठाऊं, अम्ब्रेला उठाऊं, कैमरा उठाऊं या अपना बस का कार्ड पकड़ूं। तो वॉकिंग डिफ़िकल्ट हो रही है भाई बारिश में। सो आज मेरी क्लास ना शाम को 6 बजे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि शाम तक घर में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसको यूटिलाइज़ करूं, इसलिए मैं बाहर आई हूं। और मैंने ना आज अपने फ्रेंड को भी बुलाया है, तो लेट मी कॉल हिम, पूछती हूं वो कहां पे है। हेलो हेलो, या हाय राज, हाउ आर यू, वेयर आर यू? आई एम आउटसाइड, कैन यू कम आउटसाइड? या ओके ओके, यू आर स्टिल इन द बस, ओके आई एम वेटिंग फॉर यू। सो मैं यहाँ पे आई हूँ, ये है हमारा मॉल, कॉनेस्टोगा मॉल जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके पास। हेलो हेलो हीरो, How are you, Shima? I'm good. You live nearby, but still you took more time than me. That's the reason? Really? Yeah. So, बात ऐसी है कि मैं ना जब से यहाँ पे आई हूँ कनाडा में, तब से मतलब इतनी ज़्यादा जॉब हंटिंग कर ली है और अभी तक मेरी किस्मत नहीं खुली है, अभी तक जॉब नहीं मिली है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक्चुअली मैं जॉब हंटिंग करने के पीछे क्या हार्डवर्क लगता है। तो बस यही, आज मुझे अपना दिन भी यूटिलाइज़ करना था, तो इसी वजह से यहाँ पे आए हम कॉनेस्टोगा मॉल में। और देखते हैं, आज ट्राई करते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है यार। बेचारे का पेट ख़राब हो रखा है। एक्चुअली हम कल भी गए थे रिज्यूम्स बांटने के लिए और कल हमने पूरा दिन भर कुछ भी नहीं खाया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि पूरा दिन भर हम लोग भूखे थे, एंड ऑल ऑफ सडन, नो इट्स ओके, ऑल ऑफ सडन हम लोगों ने शाम के टाइम पे बर्गर खाया, कोक वगैरह पी, तो मुझे लगता है उसकी वजह से इसको एसिडिटी हो गई और पेट ख़राब हो गया। ओके ओके, लेट्स गो। सोच रहा होगा ब्लॉगिंग के चक्कर में कहीं पैंडेमिक हो जाए बेचारे के। ओके ओके, यू गो टू द रेस्ट रूम, आई विल वेट फॉर यू हियर। How are you? Are you okay? Not bad. Are you sure? Sure. अभी एक पंगा और हो गया। मैं रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ पे और मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, और जो भी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था वो सारा मुझे उसके सामने डिलीट करना पड़ा। तो यार मेरी
मेरे सपनों में पानी फिर गया, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, व्लॉग नहीं कर पाऊँगी अंदर का, और आपको लोगों को दिखा भी नहीं पाऊँगी। यार शिट, क्या क्या सोचा था, क्या प्लान किया था, क्या हो गया, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जो भी मेरी यू नो मेहनत होगी या जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, मैं सारा आप लोगों को यहाँ से बाहर निकल के बताऊँगी। तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए या अपडेट देना चाहिए, इसलिए मैं वॉशरूम में आकर के छुप के ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। सो जॉब का तो कुछ बना नहीं है अभी तक, बट सोचा कि अब लंच कर लेते हैं, भूख लग गई है, इट्स लंच टाइम। सो व्हाट्स इन द लंच? इट्स राजमा राइस, वाओ नाइस। और मैं लाई हूँ पनीर की भुर्जी विद ब्रेड, बिकॉज रोटी तो है नहीं, आटा तो अभी तक मैंने खरीदा नहीं है, तो ब्रेड, रोटी की जगह ब्रेड से ही काम चलाना पड़ता है। वेयर इज माई स्पून? यू डिड नॉट ब्रिंग टू स्पून्स, डिड यू? सो आज तो भाई दावत है खाने में, मैं गरीब सिर्फ ब्रेड लेकर के आई हूँ, बट खाने में आज पनीर भुर्जी है एंड राजमा राइस, दोनों मेरे फेवरेट। थैंक यू सो मच। इट्स पनीर भुर्जी, ट्राई इट, इट्स नॉट गुड विदाउट ब्रेड, इट्स नॉट गुड विदाउट ब्रेड, ईट ब्रेड। You don't have roti? Seriously? Did I buy wheat flour? This is Western culture. I did not buy. मैंने अभी तक नहीं खरीदा यार, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे इंडिया में छोटा आटे का थैली मिल जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा वाला मिलता है, और फिर मैंने सोचा कि अकेले तो मैं सारा ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, और ऊपर से कॉस्टली भी है, तो इस चक्कर में मैंने आज तक आटा ही नहीं खरीदा है और रोटी भी नहीं खाई है अभी जब से आई हूँ मैं यहाँ पे। हाउ इज़ इट? इट्स लाइक फ्रेश, बिट स्पाइसी, बट रियली गुड। होममेड? होममेड, आई मेड इट। या आज है हमारी जॉब हंटिंग का दूसरा दिन। कल पता क्या हुआ, कल ना बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, कल एक एक स्टोर में जाके रिज्यूम्स दिए, एक एक स्टोर में जाकर के पूछा कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओपनिंग है या नहीं है, हायरिंग चल रही है नहीं चल रही है, और ये सब कर करके ना इतना ज़्यादा थक गई थी कि जब मैं रास्ते में थी और घर जा रही थी तब मेरी आँख लग गई थी, सो ही गई थी मैं रास्ते में, इसलिए मैंने कल व्लॉगिंग पूरा बंद कर दिया, कैमरा अपना बंद कर दिया, और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया उसके बाद, और वैसे भी अंदर तो अलाउड था भी नहीं कैमरा। तो खैर आज फिर से हम लोगों ने जॉब हंटिंग स्टार्ट की है, आज हम फिर से गए थे मॉर्निंग में उठ करके, ये देखो रिज्यूम्स आप देख सकते हो मेरे पास पड़े हैं, तो आज हम फिर से गए थे, एंड खुशखबरी की बात ये है कि एक जगह तो इंटरव्यू हो भी गया, अब पता नहीं वहाँ से कॉल आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, मतलब वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन इंटरव्यू तो हो ही गया भाई, दोनों का इंटरव्यू हो गया वहाँ पे। एंड एक और जगह से हमें बोला है कि कॉल आएगी, अभी तक तो आई नहीं है, बट आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि कॉल आ जाएगी आज शाम तक। तो या मतलब आप देख रहे हो कि मैं अभी रिज्यूम्स काउंट कर रही थी, तो मैंने ना 60 कॉपीज ली थी, तो 60 कॉपीज़ में से अभी मैंने काउंट किए सिर्फ 35 कॉपीज़ बची हैं, यानी कि मैंने कितने, मेरा थोड़ा मैथ्स कैलकुलेशन वीक है, 25 हुआ ना, वट एवर, तो आप समझ सकते हो कि मैंने कितने रिज्यूम्स जो हैं कल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मतलब कल और परसों दो दिन के अंदर अंदर, और इतने रिज्यूम्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दो जगह से थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो आ ही गया, लाइक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ ही गया है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जॉब की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इंटरव्यू की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जाओ, आप रिज्यूम्स दो। सो या वी आर डन फॉर द डे, लाइक आज का कोटा पूरा हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि कल ना हमारा एग्ज़ाम भी है, तो अभी एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, तो इस वजह से इसके लिए अभी हम लोग कॉलेज में बैठे हैं, आप देख ही सकते हो मेरे पीछे, अभी फोकस रूम में बैठे हैं, स्टडी रूम में। तो या कल के एग्जाम की तैयारी करनी है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। सो राज, व्हाट्स द स्टडी प्लान? नथिंग मच, नो आइडिया, कम ऑन प्रोफेसर, यू शुड टेल मी, आई नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, कम ऑन, वी कांट वेस्ट टाइम, वी जस्ट हैव फ्यू आवर्स, वी हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, या ऑलमोस्ट देयर, लेट मी गेट दिस किट, अप्लाइंग फॉर द जॉब फर्स्ट एंड देन स्टडी, अप्लाई फॉर द जॉब, टू यू आर नॉट गोना स्टडी, हां way too important. Job is more important than exam. Come on. Be honest.
send me the link. ये होता है, मतलब अभी 24 मिनट्स मुझे बस के लिए वेट करना है, वो भी ठंड में बिना जैकेट के. समझ रहे हो कितनी बड़ी आफत है. तो ऐसा है कि अब तो आगे से आई एम गोना कैरी जैकेट, चाहे ठंड हो चाहे ना हो. तो बस जिस चीज़ का डर था आज मेरे साथ वही हो गया. बट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम फ्रॉम गोइंग ऑनवर्ड्स.